हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बीएमएस के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो, या फिर एक बिगनर्स को क्या पता होना चाहिए बीएमएस के बारे में, या फिर जिनको कुछ भी नहीं पता कि बीएमएस क्या होता है या फिर आयुष कोर्सेज क्या होते हैं, इस वीडियो में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि एक ज़रूरी होती है इन चीज़ों के लिए। तो जितनी कॉलेजेस इसके बारे में होंगी, क्या इतनी फीस होती है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, क्या इनकी कट ऑफ है, कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितना इनका स्कोप होता है, या फिर कहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, कौन से कॉलेजेस हैं, कट ऑफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सारी डिटेल से इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको बीएमएस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर आप रियली में चाह रहे थे कि ऐसा कोई वीडियो मिले जिसमें कि हमें बीएमएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर आईएएस कोर्सेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो फिर आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और हेल्प करेंगे। नेट 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, वो सारी डिटेल से हम आपको साथ काउंसलिंग के टाइम तक डिस्कस करते रहेंगे। MBBS, BDS, BMS यानी कि जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं वो सारे हम आपको कवर करवाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो, और जितने इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी वीडियो के फॉर्म में या फिर फोटो के फॉर्म में, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा, जिससे कि आपकी हेल्प होती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टॉप बीएमएस कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में। तो यानी कि स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें दिखती रहेंगी, जो जो मेरे पास अवेलेबल होंगी मैं आपको आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो टोटल इंडिया के अंदर बात करें तो टोटल 273 बीएमएस की कॉलेजेस अवेलेबल हैं। मैं ओनली बीएमएस या फिर इन आयुष कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो बीएमएस कॉलेजेस की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस रहती हैं, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपके लिए। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो करीब 50 से 53 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, और प्राइवेट की बात करें तो ये नंबर ज़्यादा रहता है, मैंने बताया आपको। तो इनकी जो कॉलेजेस हो सकती हैं वो 220 से लेकर 223 तक हो सकती हैं, क्योंकि जो डाटा आपको दिख रहा है उसमें ठीक से मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर इनमें से कोई कॉलेजेस कम ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए मैंने ये नंबर आपके लिए नोट किया है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और पूरी काउंसलिंग मैंने पिछले साल भी इनकी करवाई थी कट ऑफ के साथ, तो वीडियोस अवेलेबल हैं कट ऑफ के चैनल के ऊपर, वो आप देख लेना। बाकी कट ऑफ तो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा आपको। तो बाकी बात करते हैं कि बीएमएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, उनके बारे में मैं एक बार आपको और बता देता हूं। तो ये टॉप 5 कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो इनकी कट ऑफ भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला आता है बीएचयू वाराणसी के बारे में। ये नंबरिंग मैंने इस तरीके से नहीं की हुई है, ये मैंने सिर्फ टॉप 5 आपको बताने के लिए है। IMS बीएचयू का कॉलेजेस भी है, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ का भी है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर का और NIA जयपुर, और नंबर 6 का है SDM हॉस्पिटल जो है बेंगलोर का है, SDM हसन हॉस्पिटल बेंगलोर का। ये कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, बाकी कॉलेजेस की लिस्ट आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है कि ये टॉप कॉलेजेस हैं, और अगर टॉप कॉलेजेस हैं तो इनकी कट ऑफ भी हाई रहती है, और कट ऑफ तो कुछ कॉलेजेस की इतनी भी रहती है कि उतने स्कोर पर आप MBBS में भी एडमिशन ले सकते हो। हाँ, लेकिन जिसको सिर्फ BMS करना है, क्योंकि इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बताने का रीज़न ये है कि BMS को आजकल इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनका काम जो है MBBS के बराबर ही होता है, बस फर्क इतना सा होता है को किसी स्टूडेंट के माइंड में या फिर पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि हम MBBS को छोड़कर BMS क्यों करें। तो देखो, मैं बता देता हूँ सिंपल सा तरीका कि BMS में आप वो सब कर सकते हो जो कि MBBS वाला कर सकता है, सिवाय एक स्पेसिफिकेशन के लिए। जैसे कि MBBS करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो एक स्पेसिफिक ब्रांच कर सकता है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोसर्जन हो गया, इस तरीके के वो स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन BMS वाले वो नहीं कर सकते। लेकिन छोटी मोटी सर्जरीज वो कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर निकालना हो गया हैं, उसके टाइम का भी काम वो सारे कर सकते हैं BMS वाले। जैसे कि मैंने सिंपल तरीके से बताया कि एक स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, बट वो काम आप सारे कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में कितना सीखते हो और आपकी कॉलेज आपको कितना सिखाती है, उसके बेसिस पर ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। तो BMS का काम जो है MBBS के लगभग बराबर ही होता है, डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। बाकी कोर्सेज भी यानी कि BHMS, BUMS ये सारे होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आयुष कोर्सेज का आपने बहुत नाम सुना होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा फेमस होता है BAMS।
तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि चलो एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन फीस इनकी कितनी होती है। अब देखो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेजेस की जो है बिटवीन 20K यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज के से लेकर हम प्राइवेट तक की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो है 20,000 से स्टार्ट होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है 3 से लेकर 5 लाख के बीच में। हालांकि 5 लाख तक किसी की फीस है नहीं लेकिन फिर भी मैं एक एस्टिमेशन आइडिया लेकर चल रहा हूँ क्योंकि फीस हर साल वेरी करती रहती है, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट उसके बेसिस के ऊपर। तो यहाँ से आप मान के चलो कि 3 से 4 लाख रुपए तो होती ही होती है बट कभी कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो 3 से 5 लाख के बीच में हो सकती है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पर चेक कर लेना, बाकी आपका स्कोर के बेसिस पर कट ऑफ तो मैं बता ही दूंगा कि कैसे इसकी काउंसलिंग होती है वो सारे तो मैं इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा। तो यहाँ पर बात करें तो MBBS के बराबर ही फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो कि मैंने बताया 20K से लेकर 30K, 35 या फिर 50K तक आपकी फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अच्छे कॉलेजेस की बात मैं बताऊंगा आगे आपको, बाकी मैंने आपको बता दिया कि फीस आपकी इतनी हो सकती है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो। अब मेन कंसर्न सभी का यही आता है कि हम ये जो भी डिग्री करेंगे उसके बाद में कितनी सैलरी हमें मिल पाएगी। तो देखो मिनिमम सैलरी की बात करें BMS की तो 30K से स्टार्ट होती है और 8 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है विद द एक्सपीरियंस, यानी कि एवरेज सैलरी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का तो आपकी 4.5 लाख पर NM के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपने कौन से कॉलेज से डिग्री की है और आपको क्या आता है, कितना काम आपको आता है, उसके बेसिस पर भी डिसाइड होता है कि आपको कितनी सैलरी मिलनी होती है। बट ऑन एन एवरेज 30,000 से तो स्टार्ट आपकी सैलरी हो ही जाएंगी अगर आप कहीं पे किसी भी कॉलेज से BMS करते हो तो। बाकी मेन डिपेंड करता है आपके काम पर, आपके कॉलेज के ऊपर, बट मेनली तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो ये बात हो गई सैलरी की, फीस की मैंने आपको बता दी, कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन आप नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होगा, वही एक एग्जाम है जिसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। पहले के टाइम पर होता था कि अलग से एग्जाम होते थे लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता, एक नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। तो अभी बात लेते हैं कुछ कट ऑफ के बारे में ताकि आपको थोड़ा आइडिया और मिल पाए। तो देखो यहां पर मैंने BAMS और BHMS दोनों की कट ऑफ नोट की हुई है, यानी कि BMS में तो होम्योपैथिक आती है और A में मतलब BAMS में आयुर्वेदिक वाले आते हैं, तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, आइए आप बहुत ज्यादा समझदार हो ही। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 533 राउंड फर्स्ट की यहां पर नोट किया हुआ है मैंने, जो भी कट ऑफ वगैरह देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, 2023 की मैंने पूरी काउंसलिंग करवाई है तो वहां से आपको और आइडिया मिल जाएगा, बाकी यहां पर मैं बता रहा हूं। तो 533 मार्क्स और 78,030 रैंक के ऊपर जनरल कैटेगरी में आपको कॉलेज अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड के अंदर। अब आगे के राउंड में ये कट ऑफ इंक्रीज होती है क्योंकि एक बच्चे को पता होता है कि मेरा स्कोर नीट में कितना आया है तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि MBBS तो यहां पे नहीं मिलना, तो फिर वो बेस्ट बेटर ऑप्शंस के लिए जाते हैं क्योंकि अगर उनको ड्रॉप नहीं लेना है तो। तो ये बात आपको समझ आ गई, अब मैं आगे बताऊंगा आगे और आपको भी। DHMS की बात अपन बाद में करेंगे। EWS में 529 रैंक आप देख लेना, OBC की 529, SC की 419 और ST की 352 ये कट ऑफ रही थी राउंड फर्स्ट की। BMS की बात करें रैंक आपके सामने अवेलेबल है, ये आप चेक कर लेना। BHMS के अंदर बात करें तो 458 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 100 मार्क का डिफरेंस रहता है यहाँ पर, 90-80 मार्क्स तो आपका मान के चलो कितना डिफरेंस तो रहेगा। तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट राउंड में 533 था लेकिन यहाँ पर 458 मार्क्स से रैंक आप चेक कर ही लेना। सेकंड बात करें EWS की तो 430 मार्क्स, OBC की 450, SC की 363 और ST की 300 मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड के अंदर ही BHMS के लिए। तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप उसको चेक कर लेना। अब बात करते हैं उन टॉप मेडिकल कॉलेजेस की जहां की कट ऑफ भी हाई रहती है और लेकिन ये कॉलेजेस इतने ज्यादा डिमांडिंग में रहते हैं कि स्टूडेंट्स MBBS का छोड़कर यहां पर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। अगर उनको कोई लो रैंकिंग का MBBS कॉलेज मिलता है तो उनको छोड़कर वो यहां पर एडमिशन लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो उसके बेसिस पर है, बाकी तो अब की पसंद सबकी अलग होती है तो आप समझ पा रहे होंगे। तो NIH जयपुर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर काफ़ी बड़ा नाम है, बहुत फेमस कॉलेज है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें रहता है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 608 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर रही थी और रैंक आप यहाँ पर चेक कर ही लेना। EWS की बात करें तो 605 कट ऑफ रही थी, OBC की बात करें तो 608, SC की 479, ST की बात करें 448 मार्क्स की कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी NIH जयपुर की। BHU की बात करें तो 609 मार्क्स, यानी कि इससे भी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर BHU की रही थी, BHU वाराणसी की अपन बात कर रहे हैं। EWS में 607,
ओबीसी में 608 सेम मार्क्स की थी, लेकिन रैंक में डिफरेंस है, आप यहाँ पर चेक कर लो। इसीलिए मैंने रैंक नोट की है, क्योंकि सेम मार्क्स के ऊपर रैंक आपकी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो 474 मार्क्स के ऊपर रैंक आप चेक कर लेना। एसटी कैटेगरी में 439 मार्क्स की कट ऑफ पर यहाँ पर कॉलेज आपको अलॉट हुआ था। तो ये बात हुई कॉलेजेस के बारे में, टॉप कॉलेजेस की भी मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि इनकी काउंसलिंग कैसे होती है। तो इनकी काउंसलिंग जैसे कि एनएमसी, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करवाता है, तो वो काउंसलिंग यहाँ पर इनकी नहीं करवाता है आयुष कोर्सेज की। आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग करवाती हैं अलग से, 8833 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, वो आपकी काउंसलिंग करवाती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हम काउंसलिंग आपकी कंप्लीट करवाएंगे, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, कैसे कॉलेजेस फिल करने हैं, हर एक डिटेल से आपको समझाएंगे। इस वीडियो को बनाने का तरीका बस यही था कि आपको ये समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए, कितनी सैलरी हो सकती है, क्या स्कोप हो सकता है, कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं, ये बताने की मैंने थोड़ी सी हल्की सी कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। और मैंने बता दिया कि काउंसलिंग कैसे होती है, कितनी फीस लगती है, कौन से कॉलेजेस होते हैं और कितनी सैलरी आपको मिल सकती है, कट ऑफ का कैसी रह सकती है। बाकी डिटेल आपको मैंने स्क्रीन पर सारी दिखाई दी है और कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी हम हर एक अपडेट आपको बताते रहते हैं इन्हीं काउंसलिंग के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आपका ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन देगा। तो हम हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जो कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है। ये आपको समझ आ गया काउंसलिंग कौन करवाता है। तो आप 8833 जो है ये काउंसलिंग करवाते हैं, आयुष काउंसलिंग इसको बोलते हैं। और उसमें बीएमएस, बीएचएमएस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एक बीयूएमएस, बीवाईएमएस ये से भी आते हैं, लेकिन उनके बारे में अपन जब काउंसलिंग होगी तब बात करेंगे। और कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि बीएचएमएस से कट ऑफ कम रहती है उनकी, एज कम्पेयर्ड बहुत ही कम रहती है। और मेन बात यह है, किसी को यह लग रहा हो कि इन कॉलेजेस की कट ऑफ तो सर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इतना अगर हमारे मार्क्स नहीं हुए तो क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर भी कैसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको एडमिशन देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि उन कॉलेजेस के लिए आपको अलग से एडमिशन करवाने होते हैं। वो हम आपका हेल्प करेंगे एडमिशन के टाइम पर भी, वो हम उस टाइम बता देंगे, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका स्कोर पे एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बस यही डिफरेंस होता है। उसके अलावा ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो देखना आपकी काउंसलिंग हम इस तरीके से स्मूथ तरीके से करवाएंगे, जिससे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आई होप कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको ज़रूरी है बीएमएस के बारे में। और अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप कि मैंने जो कोशिश की है आपको बताने की समझ आई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।